और गेमर भाई लोग क्या हाल चाल। देखो भाई मस्त तगड़ा आईकू की तरफ से आ चुका है आईकू नियो 9 प्रो। भाई साहब पहली बात तो कलर जो डिजाइन लैंग्वेज लेकर गए ना गेमिंग के हिसाब से व्हाटएवर जो भी कह लो भाई बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, बहुत ज्यादा सही देखने मिल रहा है। लेकिन आज इसकी बात करेंगे हम लोग गेमिंग को लेकर कि गेमिंग में कितना ज्यादा अच्छा है बुरा है सब कुछ यहाँ पर फिगर आउट करने वाले हैं। और अगले एक घंटे की टेस्टिंग में ये भी चेक करेंगे कितना परसेंट बैटरी ड्रॉप करता है और टेम्परेचर कितना गेन करता है, वो सारी चीजें यहाँ पर हम लोग फिगर आउट करने वाले। और यहाँ पर देखो आईकू नियो 9 प्रो पर मिलता है स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 का मस्त वाला प्रोसेसर। और रही बात जिस प्राइसिंग पर ये आया है वहां पर भी काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। तो देखते हैं यहाँ पर ये फोन कितना अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस निकालेगा। FPS मीटर के साथ में आपको सारी चीजें दिखाऊंगा कि कितना ज्यादा ऊपर नीचे चीजें रखता है या नहीं रखता है या कितना अच्छा है कितना बुरा है सब कुछ हम लोग फिगर आउट कर लेंगे। तो सेटिंग जो यहाँ पर रखेंगे स्मूथ पर 90 रखेंगे, बाकी अदर ग्राफिक सेटिंग्स आप चेकआउट कर सकते हो। रही बात इस फोन पर अभी जो देखोगे ना बैटरी है 89% पर और टेम्परेचर समवेयर कुछ 35 डिग्री के आसपास है। जैसे मैंने इस पर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे TDM का गेम प्ले और मैंने आपको पूरा वीडियो जो होगा ना उसमें FPS मीटर दिखाऊंगा जहां पर आप पूरा कंक्लूजन निकाल सकते हो कि FPS कितनी ज्यादा ऊपर है नीचे है सब कुछ आप पता कर पाओगे, जिसकी वजह से आप अपने हिसाब से भी विनर बना सकते हो। और एक और चीज बता देना कमेंट के अंदर कि क्या आप आईकू नियो 9 प्रो को गेमिंग के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी बनाओगे या फिर कोई दूसरा और डिवाइस होगा तो कौन सा होगा, एक बार वो भी कमेंट करके बता देना। और यहां पर सबसे लोएस्ट FPS आपने कितना नोटिस किया वो भी बताना कमेंट में ताकि पता चले कि हां कितने लोगों ने और इंटरेस्टिंग या कितना डिटेल में वीडियो देखा है, तो इसी बहाने उनकी भी हाजिरी लग जाएगी जो भी। और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा अगर आप वीडियो देख रहे हो तो एक बार बस सब्सक्राइब बटन दबा ही दो, मुझे इस वीडियो पे एटलीस्ट 2000 सब्सक्राइबर इंस्टेंट चाहिए, तो एक बार फटाफट सब्सक्राइब दबा देना। तो देखो फोन में रही बात TDM के अंदर जैसे आपने अभी तक का गेम प्ले देखा ना तो इतना है कि आराम से 90 FPS की गेमिंग पर ये फोन 88-99 वाले FPS देता है। कभी कभार थोड़ा बहुत नीचे आया था लेकिन एवरेज गेमिंग अगर समझोगे तो 88 अबव वाली गेमिंग आपको स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 पर ही मिल जाती है। और आईकू का डिवाइस है तो मॉन्स्टर मोड लगा के ही गेमिंग करना तो जिसकी वजह से बेटर रिजल्ट आपको मिलेंगे, बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। तो यहां पर मैंने 90 FPS उस हिसाब से लगा के खेला। तो चलो अभी रही बात अपना इरांगल पे जैसे हम लोग शिफ्ट कर चुके हैं तो यहाँ पर जैसे लैंड होता है तो वहां पर भी फिर भी ये FPS अच्छे तरीके से रखता है। और ओवरऑल यहाँ पर भी एनिमी अगर आसपास में आते भी हैं तो भी FPS अच्छी तरीके से मेंटेन करता है। आप पूरा गेम प्ले देखो कितना ज्यादा स्टेबल था 90 वाला गेम प्ले और कितना ज्यादा अच्छे परफॉर्मेंस देख रहा है वो सब आप यहाँ पर FPS के साथ में देखना। और जैसे मैंने आपको स्टार्ट में पूछा ना सबसे लोवेस्ट FPS आपने TDM और इरांगल में कहां पर कितना नोटिस किया है वो भी कमेंट करके बता सकते हो और अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस भी कमेंट करके बता देना।
भाई साहब, आप लोगों ने पूरा गेम प्ले देखा, आराम से ये फोन है ना हैंडल करता 90 FPS की गेमिंग। मतलब मैंने जो इसमें एनिमी फाइट भी अगर होती है ना, तो उसमें जो लोएस्ट FPS देखा भी होगा ना, वो 85 तक आया था, वो भी कुछ सेकंड्स या कुछ मिली सेकंड्स के लिए, वरना ये अबो ही चल रहा था, ऑलमोस्ट 90 के आसपास ही घूम रहा था। सो स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 पर IQ ने पता नहीं किस तरीके से बेटर काम किया, जहां पर इसमें और अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है, वरना 8 Gen 2 पर इतनी ज्यादा अच्छी तगड़ी 90 FPS नहीं मिलती है ओवरऑल अगर मैं बता दूं। पर IQ ने कुछ तो अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से 90 FPS की गेमिंग का एक्सपीरियंस इस फोन पर बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा है। बाकी इसमें गेम फ्रेम इंटरपोलेशन मोड वगैरह भी आता है, वो अगर आप लगाओगे तो आपको एक अलग FPS मिलेगा। तो अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हो तो कमेंट करना, और इस वीडियो पे 5000 लाइक का टारगेट टच करवा देना, मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर दूंगा आप लोगों के लिए फटाफट। और जो एक घंटे की गेमिंग के बाद में जो टेम्परेचर एंड में आया ना, वो था कुछ समवेयर भाई, ज्यादा कुछ बढ़ा ही नहीं, 35 डिग्री था, मतलब एक डिग्री ऊपर नीचे हुआ। तो टेम्परेचर भी बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है IQ के इस नियो 9 प्रो पर। बट एक बात बता दूं, जिस रूम में मैं टेस्टिंग भी करता ना, वहां पर AC नहीं है, वहां पर सिर्फ पंखा लगा हुआ है, और मुंबई में इतनी कोई ठंडी भी नहीं हो रही है, तो नॉर्मल अच्छी खासी परफॉर्मेंस इसने निकाल के दी है। और वहीं पर जो बैटरी थी स्टार्ट में, वो थी आराम से 89%, और वो एक घंटे की गेमिंग के बाद में आ गई 72%, तो उसमें हुआ 17% का बैटरी ड्रॉप, जो ओवरऑल इतना ही ऑलमोस्ट आसपास में 90 FPS को निकाल के देता है, और वही सेम चीज यहां पे देखने मिली। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस IQ Neo 9 Pro के साथ में गेमिंग वाली जो बातचीत है 90 FPS में, बहुत ही बेहतरीन गेमिंग आपको करवा देता है, आप आराम से इसको चेकआउट कर सकते हो। अगर मैं iPhone 15 Pro Max की बात करूं ना भाई, सिंपल फिर से बता दूं, 160,000 के आसपास आता है Pro Max, और 90 देता है, बट खिलवाता है 80 और उससे भी नीचे, तो डेफिनेटली आपको एंड्रॉइड में ही बेस्ट गेमिंग फोन मिल जाते हैं आज के टाइम पे, जिसमें से IQ Neo 9 Pro आप लोग के सामने सबसे पहला ऑप्शन मिल जाएगा अंडर 40,000 रुपीज में। अगर इसका फुल डिटेल रिव्यू देखना है तो वो वीडियो मैंने पिन कर दिया रहेगा कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में डाल दिया रहेगा, चेकआउट कर लेना। बाकी जैसे मैंने स्टार्ट में पूछा, अगर ये फोन नहीं लेते हो तो दूसरा फोन कौन सा लोगे गेमिंग में वो भी बता देना, और सबसे लोएस्ट FPS क्या देखे थे TDM और Erangel में वो भी बता देना। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर एंड बाय।